हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। मैं हूं डॉक्टर नीरज महाजन, आपका पीडियाट्रिशियन। अक्सर सर्दियों में बच्चों का नाक बंद हो जाता है, यानी कि नोज ब्लॉक हो जाता है, और जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को स्टीम दे सकते हैं या फिर नेबुलाइज भी कर सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल एज ए पेरेंट उनका रहता है कि क्या उनके बच्चे के लिए नेबुलाइजेशन सेफ है, क्या वो स्टीम दे सकते हैं बच्चे को। तो आज के इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि नेबुलाइजेशन और स्टीम में क्या डिफरेंस है, इनके क्या फायदे और नुकसान है, और क्या नेबुलाइजेशन आपके बच्चे के लिए सेफ है। इसके साथ ही हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपने बच्चे को सेफली स्टीम और नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए आप अंत तक हमारा वीडियो जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद करवा दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये अक्सर देखा गया है कि जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें पहले साल में कम से कम 6 से 8 बार कफ और कोल्ड की शिकायत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है, उस वजह से उन्हें ये वायरल अटैक जल्दी हो जाता है। इसके अलावा कई घरों में जो उनके बड़े भाई बहन हैं, जो सिबलिंग्स हैं, ये स्कूल गोइंग होते हैं, तो ये स्कूल से वायरस लेके आते हैं और जैसे घर आते हैं तो घर आके छोटे बेबी को दे देते हैं। इसकी वजह से भी उनका ये वायरल एक्सपोजर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे उन्हें ये वायरल एक्सपोजर होता है उसके बाद धीरे धीरे उनके शरीर में उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाते हैं। जब बच्चे को ये वायरल अटैक होता है तो उसके बाद सबसे पहले उसकी कंप्लेंट रहती है कि बच्चे का नाक बंद होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत आती है, जिस वजह से वह अच्छे से दूध नहीं पी पाता, वो भूखा रहता है और उसकी नींद भी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। इस सब की वजह से वो बड़ा ही बेचैन सा रहता है, इरिटेबल हो जाता है, क्रैंकी सा हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि बच्चे का नाक बंद हो गया है तो क्या किया जाए। सबसे पहले तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप उनके नाक में सलाइन ड्रॉप्स डाल सकते हैं, तो उससे भी काफी हद तक बच्चे का नाक खुल जाता है। लेकिन कई बार उसकी वजह से भी नाक नहीं खुलता तो हम उन्हें स्टीम देने के लिए सजेशन देते हैं। स्टीम क्या करता है? स्टीम यानी कि गर्म भाप, ये जो होता है वायरस को खत्म करता है, जिससे कि बच्चे की रिकवरी फास्ट हो जाती है। ये कैसे वायरस को खत्म करता है? जब गर्म भाप देते हैं बच्चे को तो वो उसके नेजल पैसेज में जाके जो उसके अंदर वायरस होता है उसको खत्म करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसका नाक खुल जाता है। और साथ ही साथ जो कई बार नाक में नेजल पैसेज में म्यूकस जमा होता है ये उसको भी पतला करता है, और उससे भी वो म्यूकस बाहर आता है और वो नाक खुल जाता है उसका। ये सब प्रॉब्लम्स ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टीम के क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो यही कहेंगे कि जो स्टीम है ये देने से जो बच्चे का वायरल लोड है वो कम हो जाता है, जिससे उसका जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है। स्टीम लेने के बाद उसका नाक खुल जाता है, बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है, और साथ ही उसको फीडिंग में भी जो दिक्कत आ रही होती है वो भी ठीक हो जाती है, और ये बहुत ही सस्ता ऑप्शन है। अब हम जानेंगे कि स्टीम देने के क्या नुकसान है। सबसे पहला वो है बर्न इंजरी। कई बार क्या होता है कि बच्चा स्टीम लेने के दौरान थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता, वो हाथ पैर मारता है, जिसकी वजह से कई बार स्टीमर अपने ऊपर उल्टा लेता है और गर्म पानी उसके ऊपर पड़ सकता है, उसके शरीर के किसी पार्ट पे, हाथ पे, पैर पे, जिससे कि वो जल सकता है। और कई बार बच्चा स्टीमर के ऊपर ही अपना मुंह कर लेता है, जिससे कि क्योंकि उसकी स्किन बहुत डेलिकेट होती है फेस की, वो एकदम से बर्न हो जाती है। कई बार एज ए पेरेंट आप लोगों को नहीं पता होता कि बच्चे को स्टीम कैसे देनी है, वो बच्चे के स्टीमर के बिल्कुल ऊपर ही उसका मुंह कर देते हैं ताकि उसे स्टीम डायरेक्ट मिल सके, उससे भी कई बार ये बर्न इंजरी हो सकती है। नंबर 2, डिहाइड्रेशन। कई बार जब हम ज़्यादा देर के लिए स्टीम देते हैं तो उसके बाद काफ़ी पसीना आता है बच्चे को, जिससे कि उसकी जो शरीर में पानी की कमी होनी शुरू हो सकती है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि जब हम स्टीम दें उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसा लगे पसीना ज़्यादा आया है बच्चे को, तो हम उसे इमिजिएटली स्टीम के बाद हम उसे सूप दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, कुछ भी पीने वाली चीज़ें दे सकते हैं ताकि उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। और नंबर 3 इसका जो नुकसान है वो है कि कई बार स्टीमर से देखा गया है कि आईज में रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, या कई बार ड्राइनेस भी हो सकती है। ये तो बात होगी स्टीम के फायदे और नुकसान के बारे में। अब हम जानते हैं कि स्टीम देने का जो सबसे सेफ मेथड है वो क्या है।
जब हम पेरेंट्स से पूछते हैं तो कई पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि बच्चे को स्टीम कैसे देनी है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम बच्चे को सेफली स्टीमर से स्टीम दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप बच्चे को अपने पास गोदी में ले लीजिए। अगर बच्चा थोड़ी बड़ी उम्र का है तो उसके हाथों को अच्छे से आप एक शीट या टॉवल में लपेट लीजिए। हमें उसके बाद क्या करना है कि जो स्टीमर है उसको अपने सामने रख के ऑन करना है, लेकिन हमें इतनी दूरी में रखना है कि बच्चे का हाथ उस तक ना पहुंच सके। बेस्ट टाइम रहता है कि जब बच्चा सो रहा हो तो उस समय आप उसे स्टीम दें, ताकि बच्चा एक्स्ट्रा मूवमेंट्स ना करे, नहीं तो फिर स्टीमर को अपने ऊपर उल्टाने का डर रहता है। इसके बाद हम स्टीमर को ऑन करके हम अपने ऊपर एक दुपट्टा या एक पतली सी शीट ले लेंगे, हम अपने ऐसे ऊपर ले लेंगे और साथ में एक स्टीमर के ऊपर भी आ जाएगी शीट, जैसे कि कोई टेंट जैसा बनता है उस तरह। तो उससे क्या होगा, जब स्टीमर से भाप बननी शुरू होगी, वो जो पतली शीट है या दुपट्टा है उसके अंदर से एक्स्ट्रा जो भाप है वो बाहर को निकल जाएगी, मतलब जो अंदर वाला एरिया है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहेगा, तो वो बहुत एक कंफर्टेबल सा एक गर्माइश मिलेगी, उससे आपको भी कंफर्टेबल रहेगा और जो बच्चा है उसको भी एक हल्की हल्की स्टीम मिल जाएगी, जिससे कि उसका नाक और चेस्ट खुल जाएगी और वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमने बच्चे के नाक जो बंद है उसके लिए नेजल ड्रॉप्स भी डाल के देख लिए दिन में कई बार, और दिन में 3-4 टाइम स्टीम भी दे दी, लेकिन स्टिल उसका नाक बंद है। तो ऐसे में हम उन्हें सजेशन देते हैं कि आप उसे बच्चे को नेबुलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स हमें देखते हैं कि हमने पता नहीं ऐसा क्या बोल दिया, कि वो पूछते हैं एज ए पेरेंट कि क्या मतलब नेबुलाइजेशन सेफ है अपने बच्चे के लिए, क्या उसे इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नेबुलाइजेशन एक टोटली सेफ प्रोसेस है, इसकी कोई ऐसी आदत नहीं पड़ती है। नेबुलाइजेशन करने के कई फायदे भी हैं, इसमें सबसे पहले तो जो स्टीमर में हमने अभी जाना कि उसे बर्न इंजरी हो सकती है वो नहीं होती है, नेबुलाइजेशन से किसी तरह की डिहाइड्रेशन होने के चांसेस नहीं है, और ना ही जैसे स्टीमर का पानी अपने ऊपर वो गिरा लेते हैं बच्चे, वो सब नहीं होता है। नेबुलाइजेशन एक बहुत ही सेफ प्रोसेस है, इसमें हम नॉर्मल सलाइन का सॉल्यूशन डाल के सेफली हम अपने बच्चे को दिन में 3-4 बार नेबुलाइज कर सकते हैं, और साथ ही इसकी जो रिकवरी रेट है वो ज़्यादा फास्ट रहती है। और इसके अलावा अगर कई बार बच्चों की चेस्ट ब्लॉक हो जाती है, साथ में कफ रहती है, तो हम उसमें डॉक्टर की सलाह से अलग अलग तरह के नेबुलाइजेशन सॉल्यूशंस आते हैं, वो भी हम उसमें ऐड करवा सकते हैं, जिससे कि बच्चे की जल्दी रिकवरी हो जाती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज के इस हमारे वीडियो से कुछ आपके जो डाउट्स होंगे नेबुलाइजेशन के बारे में और स्टीमर का कुछ फायदे के बारे में और उसका करेक्ट प्रोसीजर क्या है स्टीम देने का, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।